हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं जोधपुरी दाल बादाम का हलवा। ये बहुत ही यूनिक टेस्टिंग हलवा है। इसके लिए हमें 100 ग्राम्स येलो मूंग दाल और 75 ग्राम्स बादाम को 6 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। फिर बादाम छील लें और उन्हें ब्लेंडर में डाल लें, साथ ही येलो दाल भी डाल लें। बहुत सारा सा पानी, इतना ही कि बस एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, डालकर अच्छे से इसे पीस लें। पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसमें ज़रा भी दाने नहीं होने चाहिए। इसे साइड में रख दें और चाशनी के लिए एक पैन में 1 1/4 कप पानी ले लें। उसमें 120 ग्राम्स चीनी डाल लें, 3/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून डालकर तब तक उबाल लें जब तक चाशनी में हल्की सी चिपचिपाहट ना आ जाए। हमें चाशनी में कोई तार नहीं बनाना है, बस जैसे ही चिपचिपाहट आ जाए चाशनी को दूसरी गैस पर कम आंच पर रख दें, क्योंकि हमें चाशनी गरम गरम चाहिएगी। अब एक पैन में 150 ग्राम्स घी ले लें और जब वो मेल्ट हो जाए तब उसके अंदर दाल बादाम का पेस्ट डाल लें। चाहे तो आप इनिशियली घी कम ले सकते हैं इस स्टेज में जब घी उछलता है, और बाद में बाकी का घी ऐड कर सकते हैं। ये पेस्ट पैन में डालते ही चिपकता है, इसलिए इसे इमीडिएटली मिलाना शुरू कर दें। बहुत से लोग इसी वजह से नॉनस्टिक का बर्तन यूज़ करते हैं, पर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे स्टेनलेस स्टील में ही पकाएं। इसकी घिसाई, भुनाई, सिकाई का जो टेस्ट स्टेनलेस स्टील में आता है वो नॉनस्टिक में बिल्कुल नहीं आता है। नॉनस्टिक यूज़ करने से थोड़ी मेहनत तो बच जाती है, लेकिन टेस्ट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे जैसे हलवा पकता जाएगा वैसे वैसे वो कम चिपकेगा और उसे पकाना आसान होता जाएगा। अब इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ताशियो डाल लें और बाकी के गार्निशिंग के लिए सेव कर लें। इसमें 40 ग्राम्स मावा भी डाल लें। मावा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें दाल बादाम के टेस्ट को बिल्कुल भी हाइड नहीं करना है। अब जब मनचाहा कलर हलवे में आ जाए तब इसमें गर्मा गर्म चाशनी डाल लें। चाशनी डालने के बाद हमें हलवे को पकाना नहीं है, बस तब तक ही उसे कम आंच पर मिलाते रहें तब तक जब तक कि उसमें सारी चाशनी एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस हलवे में दाल का और बादाम का दोनों का टेस्ट आता है, इस वजह से ये काफ़ी डिफरेंट लगता है। इस वक्त हलवा बिल्कुल तैयार है, हम इन्हें इसे बोल्स में डिश आउट कर लेंगे। बाकी बच्चे पिस्ता से इसे गार्निश कर लें और गरम गरम हलवे को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।